बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करता। पेट्रोल अगर देखा जाए तो वो जो एक क्राइम जॉनर है उसमें वो एक पहला शो था। ऑलमोस्ट आज 6 साल हो गए क्राइम पेट्रोल को चलते हुए, तो मेरे हिसाब से वो एक पहला शो था जिसने काफ़ी सारे ट्रेंड सेट किए। उसके बाद और भी बहुत सारे शोज बने, लेकिन पर्पस सिर्फ यही है कि लोग उससे अच्छा ही सीखें, हमारी कोशिश तो यही रहती है। बट जिस तरह का फीडबैक मिलता है, काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि यार हमारी, हाँ, इट्स एन आई ओपनर, ये अवेयरनेस प्रोग्राम है। मेरा तो सरनेम भी सोनी है, तो मेरी बॉन्डिंग तो स्ट्रांग होगी होगी। बट यू नो, ये डिपेंड करता है, मतलब इस चैनल के साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया है, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं सिर्फ सोनी के लिए काम करूँगा। पर आई थिंक, हाँ, एक चैनल के साथ एक ट्यूनिंग बनती है, जब आप लंबे अरसे तक काम करते हैं तो उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग तो बन ही जाता है। नहीं, आई एम जस्ट शिफ्टिंग इन टू माई न्यू हाउस, सो दैट्स माई रेजोल्यूशन टू यू नो सेटल डाउन देयर। आप अभी से सावधान रहे, सतर्क रहे, कहते हैं नए साल के अंदर आप कुछ कहना चाहेंगे अपने अंदाज में, कुछ कहना चाहेंगे? मैं नए साल के लिए भी लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हमेशा सतर्क और अलर्ट रहें हर चीज़ के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो हम बार बार ये कहते रहते हैं अपने शो में भी कि हम अपने बारे में तो सोचते ही हैं, लेकिन अगर अपने आसपास के बारे में भी थोड़ा सा सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच।